पल कर्मा ने बोल दिया, वो सब कोई जानता है कि हाँ सेक्स होता है क्या, बोल दिया तो क्या दिक्कत है उसे। वो तो दिन भर गांजा पी के भूल रहते हैं, अब क्या बताए, एजुकेशन के बारे में बोल रहे थे कि सेक्स के बारे में बोल रहे थे। कॉमन लोग ज्यादा रूढ़िवादी हो गए हैं सेक्स एजुकेशन जैसे चीजों पे, या फिर हमारे मुख्यमंत्री थोड़ा ज्यादा अभद्र हो गए हैं। मुख्यमंत्री कुछ ज्यादा ही खुले विचार वाले लग रहे हैं। तो आर का पार्क में कर ही रहा है, तो वही नीतीश कुमार दे करके सदने में बोल दिए हैं डायरेक्ट। मुरार में इको पार्क अब गांधी मैदान में 7 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है। ऐसे बातें लड़के दोस्तों में करते हैं, दो चार लोगों के बीच में नहीं। नहीं, हम लोग के भी दोस्त में नहीं करते हैं, दोस्त में भी ऐसा नहीं होता। मेरे साथ तो कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो होता होगा। दूध के धोवल है यार, तो जानवे नहीं है भाइयों, नहीं होगा देखा। अरे ये लौंडे और अश्लील हो रहे हैं। ए बाबू, ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। चल चूटा जी, प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार के क्या बोलती है पब्लिक एपिसोड में। देखिए, बिहार में सेक्स एजुकेशन बहुत गर्दा वाला चल रहा है, और इतना गर्दा वाला चल रहा है कि आजकल जिस टाइम के बाद हमारे मुख्यमंत्री का वो भाषण आया, वो 24-25 सेकंड का क्लिप सोशल मीडिया में तैरने लगा। हर तरफ आज सड़क पे जाइए तो इसी चीज का चर्चा है। हालांकि विधानसभा में अगले ही दिन मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली, लेकिन अब सवाल यही कि क्या हम आप कॉमन लोग ज्यादा रूढ़िवादी हो गए हैं सेक्स एजुकेशन जैसे चीजों पे, या फिर हमारे मुख्यमंत्री थोड़ा ज्यादा अभद्र हो गए हैं, इस तरह से उन्हें बातें नहीं रखनी चाहिए थी। या फिर वही सवाल है कि मतलब हम इस रूढ़िवादिता में हैं कि हमें समझ ही में नहीं आ रहा है कि भाई कि वो बातें एक्चुअली क्या कर रहे थे। तो हमारे सामने देखिए कुछ युवा है, हर तरफ गांधी मैदान में है। समझना इन लोग से यही है कि सेक्स एजुकेशन जैसे चीजों पर ये लोग समझते क्या है, और प्रधान मुख्यमंत्री वाले, देखिए प्रधानमंत्री हम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री हालांकि बनने का ख्याल रखते हैं वो, लेकिन इस तरह की बातें करते हैं। मुख्यमंत्री होकर के ये लैंग्वेज यूज करें, बेहद गलत है, बेहद गलत। कहने का तरीका गलत था, बहुत गलत था। आप बता रहे हैं, आप सेक्स एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं, सही है, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो बहुत गलत था। उनका जो शब्दों का जो चयन था बेहद मतलब अश्लील था वो। आप इसको अच्छे से भी एक्सप्लेन कर सकते थे, लोगों के बीच बता सकते थे कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन आप जिस तरीके से ओपन बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। रही बात सेक्स एजुकेशन की, इसमें तो हमको ऐसा नहीं लगा कि इसमें नॉलेजेबल थिंग्स वो बातें कर रहे हैं कि हाँ भाई सेक्स एजुकेशन है, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो इस तरीके से ओपन कह रहे हैं, इवन ठीक है, सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी कंपलसरी फॉर ऑल ऑफ अस, भाई बहुत लोगों की जरूरत है सेक्स एजुकेशन की, जो आजकल जो लोग करते हैं। अब मैं क्या ही बताऊँ, इसमें इंद्रिय तृप्ति के लिए जो करते हैं वो गलत है, सेक्स एजुकेशन की नीड बहुत ज़्यादा है। बड़ा खूबसूरत सा शब्द का इस्तेमाल किया भाई, इंद्रिय तृप्ति के लिए जो करते हैं वो बहुत खूबसूरत। देखिए, सेक्स काम जैसे चीज़ें भी बहुत खूबसूरत है, और भारत की एक आर्ट रहा है एक तरह से। आप चाहे तो खजुराहो चले जाए, वहाँ की मूर्तियाँ बताती है, लेकिन लेकिन इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन घटिया था, गंदा था। मुख्यमंत्री कुछ ज़्यादा ही खुले विचार वाले लग रहे हैं। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, यहाँ महिला लोग सभी लोग जानते हैं, पर आप उसको शर्मसार कर अगर पूरे अगर खुलेआम अगर बोलते हैं, तो ये अपने आप में मुख्यमंत्री में कोई दायित्व नहीं रखता है। ये करते सब हैं, बताता कोई नहीं, ये जोक है उसका, नहीं। सेक्स एजुकेशन था, सेक्स एजुकेशन था। यस सर। क्या लग, आपके क्या सोच है सेक्स एजुकेशन, मतलब आप समझ क्या रहे हैं, ये बताइए हमको। बहुत कुछ उसमें खुलेआम बोल दिए हैं एकदम। क्या क्या क्या, फिर से आप बताइए, ये बताएंगे। सेक्स के बारे में एकदम पूरा खुल के बोल दिया, खुलेआम कह दिया, नेता है ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए उनको, वो पूरा बिहार को लीड कर रहे हैं, ऐसा तो उनका बोलना नहीं चाहिए। नहीं तो वो क्या, वो जो बोल रहे थे वो सेक्स एजुकेशन ही था या कुछ और था? अब एजुकेशन या वो तो दिन भर गांजा पी के भूल रहते हैं, अब क्या बताए, एजुकेशन के बारे में बोल रहे थे कि सेक्स के बारे में बोल रहे थे, सदन में बैठे थे, उनको तो खुद पता नहीं है कि क्या बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, खुद पता नहीं है। हालांकि देखिए, बोल दिए तब ना, बोल दिए नहीं पता है, तब ना बोल दिए पता रहा। एक लेकिन सवाल इसी में कि सेक्स एजुकेशन जैसे चीजों पे आपकी सोच क्या है, क्या होनी चाहिए आज के टाइम में, अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को? अवेयरनेस तो सब तो आर का पार्क में कर ही रहा है, तो वही नीतीश कुमार दे करके सदने में बोल दिए हैं डायरेक्ट। क्या कहिएगा, बताइए सर, जाइए ना, देखिए ना कितने बैठल होगा। हम लोग कहा वो सेक्स एजुकेशन, भाई सबसे पहले तो एक बात समझिए आप लोग, सेक्स और सेक्स एजुकेशन में फर्क है। बहुत अच्छा, पूरा खुलेआम बोल दिए हैं इसमें, पूरा खुलेआम बोल दिया। अगर टीचर बोलता है तो अलग बात है, स्टूडेंट को इस तरह से समझाया, टीचर भी ऐसे थोड़ी बोलता है, टीचर भी इस तरह से नहीं बोलता है, बात सही है।
क्या चीज क्या चीज कह रहे उसका मन है तो बोल दिया, मन रहेगा तो कुछ बोल देंगे, कुछ का बोलो ओकर मन है बोल दिया, वो सब कोई जानता है कि हाँ सेक्स होता है क्या, बोल दिया तो क्या दिक्कत है उसे, कोई दिक्कत ना है। कुम्हरार में इको पार्क अब गांधी मैदान में 7 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है, देखिए नहीं नहीं इसीलिए तो लगाएगा मैं चल रहा है ना कल आइएगा फेंका रहेगा। देखिए ये लॉन्डे और अश्लील हो रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे सीरियस बोल रहे हैं। नहीं लेकिन सीरियस सवाल, सेक्स एजुकेशन पे बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, जरूरी भी है इस पे बात करना, लेकिन इतना खुलम खुला बिहार के मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए, वो देश का बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उनको ये शोभा नहीं देता, खास करके उनका एज भी हो गया है, अपना उम्र का तो कम से कम लिहाज करते हैं, बाकी और कोई युवा बोल सकता था तो चलता था कि चलिए बात, इसमें जागरूक होना भी चाहिए। सबसे पहले तो ये वो जो कर रहे थे बोल रहे थे उसको आप कैसे देखते हैं, वो सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे या फिर टिप्पणी था एक तरह का? वो मान के चलिए कि टिप्पणी एक तरह से था ही, टिप्पणी था जिस तरह से हमने देखा, हमने भी उस वीडियो को देखा तो एक तरह से वो टिप्पणी ही था और वही टिप्पणी समझिए किस पे टिप्पणी कर रहे थे वो उस तरह से। ऐसे बातें लड़के दोस्तों में करते हैं, दो चार लोगों के बीच में नहीं, नहीं हम लोग के भी दोस्त में नहीं करते हैं, दोस्त में भी ऐसा नहीं होता, मेरे साथ तो कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो होता होगा, दूध के धोवल है यहाँ तक जानवे नहीं करता कौन चीज होता है, दूध के धोवल एकदम सच्ची है, दूध के धोवल है यहाँ तक जानवे नहीं होगा, देखा अरे बात होता है, अगर छूट देते तू तो नंगा नाच कर लेगा, डंटा का डंटा का डंटा का डर है तब तू चुप है ना, तो अभी लंगड़े नाच लेगा यहाँ, डर है ना भैया, डर ना से ना बस वही होना चाहिए, ये गलत नहीं बोला दोस्तों के, मंत्री जी को डर नहीं है जनता से, चलते खुलियाम हमको डर है क्या पे सर है, चलते हम नहीं बोल रहे हैं कि भाई डंटा पड़े लगेगा, अब मुख्यमंत्री जी के जनता से डर नहीं है कि अगला साल से हमको सत्ता में नहीं आना, ऐसे भी हम कह दिए हैं, अब तो बुढ़ा गए अब कहे लगी आएंगे भैया। देखिए तो ऐसे चीजें आजकल देखिए जिस जब से ये बातें आई, हालांकि माफी मांग चुके हैं, बार बार कह रहे हैं कि माफी मांग चुके हैं, ऐसा नहीं है कि माफी नहीं मांगे, लेकिन वही बात है हम दोनों चीज को अटैच कर रहे हैं कि जिस तरह से वो बातें किए उनकी लेके लोगों का सोच, और दूसरी बात कि सेक्स एजुकेशन जो लोग डिफेंड कर रहे हैं वो सेक्स एजुकेशन की बातें कर रहे हैं, सेक्स एजुकेशन सही है और सेक्स तो अलग बात है, बताइए सर। नहीं एक्चुअली जो विधानसभा में बात की गई उसके बारे में मतलब थोड़ा सा वल्गर शब्द यूज किया गया, ऐसे पब्लिकली नहीं करना चाहिए, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे स्टेट को, आप एक तरह से लीडर हैं, फिर वही बात को एक शब्दों का इस्तेमाल अलग किया जा सकता था, हाँ शब्दों का जैसे एक्सप्रेशन होता है अलग, मीनिंग सेम होता है लेकिन थोड़ा सा आप अलग शब्दों में मतलब उसको बताएंगे तो लोगों को बढ़िया लगता है, लेकिन आपने उस वल्गरिटी का प्रयोग किया ना कि लोग मतलब शर्मिंदा से सर झुकाए हुए विधानसभा में और आप मतलब खुल के बोल रहे हैं उसको, तो वो ठीक नहीं लगता ना पब्लिक के लिए, मतलब एक यूथ के लिए मतलब अच्छा वो एग्जाम्पल नहीं जाता, अच्छा एग्जाम्पल नहीं रहता। इस क्लिप को आप देखें तो आपका रिएक्शन क्या था ये समझाइए। मैं देख रहा था, मैं सोचा क्या मतलब बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो, मैं ऐसा बोल रहे हैं वो भी लाइव टीवी पे, वो विधानसभा में मतलब सभा चल रही है उसमें, मतलब ये अगर बाहर ऐसा बाहर के भी लोग देख रहे होंगे उसको तो वो लोग तो यही सोच रहे होंगे ना क्या चल रहा है बिहार में, मतलब वहाँ के लीडर ऐसा बोल रहे हैं तो बच्चे लोग कैसा बोल रहे हैं। तो देखिए यही बात है कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन हालांकि वो 48-50 मिनट का पूरा भाषण है और पूरे भाषण जो नया वाला सर्वेक्षण हुआ है उस पर बात की जा रही थी कि कितना गरीबी है कितना ये है, उसी में एक बात हो रहा था कि सेक्स जो रेशियो है या फिर मतलब फर्टेलिटी रेट जो बिहार में कभी 4 हुआ करता था एवरेज, अब वो 2.9 पे आ गया, उसी को लेकर कह रहे थे कि महिलाएँ जब शिक्षित हो जाती हैं तो हालात बदल जाते हैं, प्रोटेक्शन का लोग इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन उसी के उसके लिए प्राइमरी लेवल से को एजुकेशन स्टार्ट, को एजुकेशन और सेक्स एजुकेशन जैसे चीजों पे आपकी सोच क्या है, बिहार में क्या इंप्लीमेंट होना चाहिए या सदन में ही मतलब इस तरह से तरीकों से नहीं, बिल्कुल हमारा ग्राउंड लेवल पे ना अगर इसको इंप्लीमेंट करते हैं को एजुकेशन या सेक्स एजुकेशन को तो बहुत हद तक हमारा जो युवा है ना वो मतलब इससे वो प्रेरणा लेगा कि नहीं इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है पूरा होल मोड लाइफ टाइम में, और यहाँ पे है क्या ना कि हम लोग को मतलब फ्रॉम द ग्राउंड लेवल किसी को पता नहीं होता क्या कैसे करना है, वो उसके बाद हमारे जो लीडर हैं वो ऐसे बोल रहे हैं कैसे करना, अब जब भी कोई सेक्स एजुकेशन की बात करेगा तो नीतीश कुमार का वो शब्द इस्तेमाल आ जाएगा कि वो कैसे बोल रहे थे, फिर कहेगा ना भैया हमारे बच्चों को सेक्स एजुकेशन दोगे तुम इतना घटिया, तो वो उस तरीके से भी अब देखेंगे, तो यही हमारे यूथ से लोगों की सोच है, देखिए युवा है अब ये बातें मैं सड़क पे काम करने वाले या फिर उतनी शिक्षा जो ग्रहण नहीं किए उनसे मैं पूछूं तो शायद चप्पल उठा ले कि तुम बात क्या करना चाह रहे हो, नहीं
लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरह से बात किए वो कैसा लगा सुनकर? नहीं, वो कहने का तरीका गलत था, लेकिन वो कहना चाह रहे थे जनसंख्या सही मुद्दे पे बात कर रहे थे। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बात कर रहे, सही बात है, बहुत बिहार में जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, कंट्रोल बहुत जरूरी है, बट कहने का तरीका मेरे हिसाब से गलत था, ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं, ऐसे ही लग रहा था कि अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं कुछ बता रहे हैं। सही नहीं था वहाँ पे, तरीका बहुत गलत। हाँ, तरीका गलत था, फोरम भी सही नहीं था और सब हंस रहे थे पीछे। इस तरह के एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन जो डिसेंट वे होता है वो जरूरी है? ना, बहुत जरूरी है वो, नहीं तो फिर जनसंख्या इस तरह से फिर गरीबी और बढ़ते रहेगा, जनसंख्या, गरीबी, प्रोटेक्शन, बीमारी सब बढ़ेंगे। चलिए, आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। युवाओं से पूछने की हमने कोशिश की कि यही कि सेक्स एजुकेशन जैसे मुद्दों पे आपकी राय क्या है, और मुख्यमंत्री जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा में बोले वो सेक्स एजुकेशन ही था या कुछ अभद्र और घटिया टिप्पणी था? हालांकि वो अपनी बातों से फिर माफी मांग चुके हैं, तो वो मानते ही है कि उन्होंने जो टिप्पणी की वो बहुत भद्दा था, बहुत घटिया था, ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए, सबके लिए भाई। तो सेक्स एजुकेशन जो एग्जैक्टली वो कह रहे थे वो नहीं है। सेक्स एजुकेशन हमारे सेक्सुअल पार्ट, बॉडी स्ट्रक्चर और उसकी बिहेवियर, बर्ताव का तरीका को समझने का एक जरिया है, और एक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसे अपने बच्चों को जरूर अवेयर कराइए ताकि कोई गुड टच, बैड टच या जो भी चीज़ है उसे समझ रखे। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा, और इस पूरी राय को, पूरी इस विवाद को कैसे देखते हैं यह भी कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए सच विहार, नमस्कार।